लोग अपने नए साल के कैलेंडर जारी करने की उसमें तैयारी कर रहे हैं, और मोस्टली शायद मैं कल किसी टाइम पर प्रेस से बात करूंगा, और जो विवादित हमारी भर्तियां हैं उसके बारे में भी निर्णय लेकर के मैं कोशिश ये करूंगा कि विवादित भर्तियों का जो भी डिसीजन लेना कल ले लिया जाए, और उसको अनावश्यक हम लोग उसको पेंडिंग या विवाद बढ़ता रहे नहीं चाहेंगे हम लोग। हम चाहेंगे कि नए साल में हम एक नई ये ऊर्जा के साथ और नए उद्देश्य और नए मजबूती के साथ उस काम को करें। हम कल उस संबंध में शायद आप लोगों से प्रेस में बात करूँगा। देखिए, अगर ये कहें कि साहब ठीक बात है, आप हमारी इमेज इस बीच थोड़ी ख़राब हुई, लेकिन आपको बताऊं मैं कि जब से 2016 से कमीशन बना, 5-6 भर्ती लगाई, आप एक हमारी शुरू की भर्ती भी थी जिसमें लोग के साथ FIR हुई, अभी कुछ भर्तियाँ हमारी 3-4 और हैं जिसमें हम लोगों ने जिसमें कार्रवाई हो रही है, उसका अधिकांश होमवर्क कमीशन ने खुद किया है। और 2016 से अब तक करीब 18,000 के आसपास भर्ती कर चुकी है कमीशन। ठीक बात है, कुछ भर्तियों में गलती हुई, चाहे वो हमारी लापरवाही से हुआ हो या किसी और की संलिप्तता से, उसके लिए बिल्कुल हम लोग जिम्मेदारी हम लोग उसको ओन करते हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि भविष्य में इस तरह की बात ना हो और कमीशन के ऊपर लोगों का विश्वास हो, उसको जगाने का दोबारा हम पर विश्वास हो, इसकी कोशिश हमारी होगी। और जब तक कमीशन पर विश्वास नहीं होगा तब तक कमीशन कुछ भी कर ले लोग शंका की दृष्टि से देखेंगे। हमारी कोशिश होगी, पूरी पारदर्शिता के साथ काम होगा और लोगों को दिखाई भी देगा, ये हमारा प्रयास होगा। मैं एक एग्ज़ाम हुआ था अभी एग्जैक्ट मेरे सन तो ध्यान नहीं है, उसमें आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले एक विवेचना जो फाइनल रिपोर्ट लग गया था उसको पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश से वो दोबारा री इन्वेस्टिगेशन हुआ, देहरादून का एक केस था, उसमें डबल लॉक में OMR सीट से छेड़छाड़ की गई थी, और उसमें एक वहीं लड़की जो काम करती थी डेली वेजेस पे, वो उसका OMR पर छेड़छाड़ हुई थी, उसको काफ़ी अच्छे नंबर थे, उसको हमारे कमीशन द्वारा देखा गया कि भाई ये कुछ नॉर्मल नहीं लगता है, तो जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी देखी थी उसमें केवल उसके 20 के आसपास नंबर थे, और जबकि वहाँ 84 नंबर आसपास थे। उसमें FIR हुई और उसमें डबल लॉक से OMR से छेड़छाड़ हुई, तो ट्रेजरी को भी पूछा जाना चाहिए कि भाई ये ट्रेजरी में डबल लॉक की छेड़छाड़ क्यों हुई। जब हमारे संज्ञान में आया, IO ने हमको रिपोर्ट भेजी, तो मैंने उस पूरा प्रकरण अपर मुख्य सचिव वित्त श्री आनंद वर्धन जी को भेज दिया है। तो इसमें गंभीरता से लेकर के इस तरह से घोर लापरवाही के लिए इसमें कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए कि डबल लॉक से ज़्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं मानी जाती। अगर वहाँ OMR से छेड़छाड़ हो जाए तो भविष्य के लिए भी हमारे लिए बहुत चिंता का विषय हो सकता है। और साथ ही मैंने उनके अनुरोध ये किया है कि सभी ट्रेजरी ऑफिसर, सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, क्योंकि ट्रेजरी के मालिक ट्रेजरी की जिम्मेदारी DM की भी है, चार्ज उन्हीं के पास पहले होता है, जब कभी DM चेंज होते हैं तो उन्हीं को पहले चार्ज ट्रेजरी का होता है। तो एक सर्कुलर इशू हो ताकि भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हों कि कमीशन या किसी भी चीज़ को, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन है, या जो भी कमीशन है, जो भी चीज़ें कागज में रखी जाएँ उसमें छेड़छाड़ टैम्परिंग ना हो और इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति न हो, ये हमने उनसे अनुरोध किया है, और कार्रवाई होनी भी चाहिए इसमें।